उसमें हमने एक वंश पूरा कर लिया, ग मतलब गुलाम वंश, ग ख तस्लम, ये फॉर्मूला है ना, ट्रिक है इसको याद करने का। हम गुलाम पूरा पढ़ चुके हैं 1206 से लेकर 1290, जिनमें पांच बड़े नाम हमने पढ़े थे, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, और उनके बीच में नासिरुद्दीन महमूद जो 20 साल तक राजा रहा, दिखावटी बलबन ही उस टाइम पर मेन राज कर रहा था। फिर हमने पढ़ा था खिलजी, इसके ऊपर हम लोग चल रहे थे। खिलजियों का राजवंश सबसे कम समय का है, महज 30 साल तक इन्होंने राज किया। कहने को चार शासक हुए, लेकिन चारों में अगर बड़ा नाम लिया जाए तो सिर्फ एक नाम लेना पड़ता है, अलाउद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी जो पहले सुल्तान थे, इनका मर्डर कर दिया, 70 साल की एज में ये गद्दी पर बैठे थे, और इन्हीं के टाइम में इनका भतीजा इनका दामाद दक्षिण भारत के अभियान पर गया और वापस आके प्लान करके ही आया था देवगिरी लूटने के बाद, कि जाते ही अपने अंकल का मर्डर कर दूंगा ताकि मैं राजा बन जाऊं, सुल्तान बन जाऊं। तो जलालुद्दीन का 96 के बाद अगला जो बहुत बड़ा नाम है, जिसको हिस्ट्री में बड़े नाम में गिना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 तक राज किया और ऐसे अनेक काम किए, ढेर काम किए, जिनके कारण आज भी हिस्ट्री में एक नामी गिरामी हस्ती के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कमियों को ढूंढा, जैसे ये सुल्तान बने ना, तीन बड़े विद्रोह हुए, तो इन्होंने विद्रोहों के कारण फाइंड आउट किया, क्यों विद्रोह हो रहे हैं, किस कारण से विद्रोह हो रहे हैं। तो देखा कि राजा को नॉलेज नहीं है जनता प्रजा के बारे में, अमीर ज्यादा हावी होने लगे, सरदार अपने आपको हीरो मानने लगे, तो इसने सब कारणों पर वार किया और इनको लगा कि अगर मुझे ये सब चीजें खत्म करनी है तो पहली चीज मेरे पास गुप्तचर होने चाहिए, जो मुझे सारी बातें बताएं मेरे खिलाफ कौन अमीर तुर्क सरदार प्लानिंग कर रहा है, कौन जनता में अगर कोई अमीर है तो मेरे खिलाफ जनता को भड़का रहा है, या शराब पी के जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, शराबबंदी लागू कर दी, गुप्तचर विभाग एक्टिव बना दिया। फाइनली धीरे धीरे करके इसकी कमांड बन गई, इसने सबसे पहले तो इन कारणों को दूर किया और फिर जाके इसने अमीरों से देखो फालतू की जो भूमि उनको दे रखी थी पिछले वालों ने वो जब्त कर ली और कहा कि कोई ऐसी भूमि नहीं है जो तुम लोगों को दान में दी गई हो, सारी भूमि जो एक्स्ट्रा है ना वो खालसा भूमि जिसको कहते थे राज्य के अधीन आ गई, सारी जमीन जो एक्स्ट्रा जिसके दम पे ज्यादा उछलते थे ये अमीर। और फिर इसने कहा कि सब लोग जब कम पैसा कमाएंगे ना तो इनकी अकल जो ठिकाने पर रहेगी, हद से ज्यादा अमीरी में ये प्लानिंग करते थे, तो इसने राज्य भूमि बना ली और इसने कई तरह के गुप्तचर एक्टिव खड़े कर दिए जो कि छोटी सी गलती पे भी नजर रखते थे। फिर इसने काम किया बाजार नियंत्रण का, क्यों बाजार नियंत्रण करना पड़ा, क्योंकि इसने भारी भरकम सेना खड़ी की। अब सेना को सैलरी देना मुश्किल था क्योंकि सेना बहुत बड़ी इसने बना ली, तो इस सेना को इसे नगद वेतन देना शुरू किया और नगद वेतन में पैसे कम देता था, तो सेना में कुसुर-पुसुर स्टार्ट हुई कि इतने में काम नहीं चलता, अब राजा को तो पता नहीं, तो राजा ने कहा काम तो चलाना पड़ेगा, तो क्या करूं। इसने अपने पूरे एरिया में हर चीज का मूल्य का नियंत्रण कर दिया, हर चीज का एमआरपी सेट कर दिया, कोई भी उससे ज्यादा तो कोई ऐसा नहीं कम बेचेगा, इतना महान कौन है, ज्यादा बेचते थे मतलब रेट ज्यादा लेते थे। तो इसने बहुत टफ अपनी पॉलिसी बनाई और मैंने बताया था कि जितना कोई कम तोड़ता पाया जाता उतना उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकालने लग गए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, तो ऐसा डर ऐसा भय बैठा कि सब सीधे हो गए, यानी अब थोड़े पैसों में भी गुजर बसर होनी स्टार्ट हो गई। जब थोड़े पैसों में वेतन में लोगों का काम चलने लगा तो सेना बढ़िया चल पड़ी, इसकी अपनी पर्सनल सेना बन गई, अब ये किसी अमीर के ऊपर डिपेंड नहीं था, इनफैक्ट ये अमीरों को खत्म करने के लायक रखता था। तो एक बहुत अच्छी सेना, इसका बाजार नियंत्रण, ये जो बातें बता रही हूं ना इसको कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो इसकी मार्केट पे पकड़ थी, इसकी सेना बड़ी, इसके पास थी जनता, इसकी खुश थी, इसीलिए इसने बहुत सारे अभियान चलाए और ऐसे ही अभियान चलाते चलाते अब इसको मैप के थ्रू पर सभी लोग देख लेना, हमने देखा था दिल्ली सल्तनत पहले थी, मुल्तान, सिंध, पंजाब, लाहौर, ये थी ना, और दिल्ली तक का इलाका, अब इस बेल्ट को आगे बढ़ाएगा ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, कैसे, अब ये राजस्थान का इलाका जो पहले राजपूतों के पास था, ये राजपूतों के एरिया के ऊपर अटैक करेगा और राजपूताना पूरा इलाका इसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि मेवाड़ वो समय आज बताऊंगी क्या हुआ था। इसके बाद ये गुजरात को टारगेट करेगा, गुजरात अभियान चलाएगा, गुजरात पहले गुजरात चलाया फिर राजपूत वाला, लेकिन जुड़े हुए एक साल के अंतर इसलिए बता रही हूं, फिर गुजरात को ये जीत लेगा और गुजरात जीतने के बाद ये मालवा एमपी वाली सीट पे इस इलाके को जीत लेगा, यानी अब धीरे धीरे देखो दिल्ली सल्तनत की बेल्ट इतनी बड़ी बन जाएगी, नाम दिल्ली सल्तनत लेकिन यूपी एमपी और ये पूरा गुजरात राजस्थान सब इसमें आ गया। अब ये नजर दौड़ाएगा कि दक्षिण की तरफ जो इलाके हैं इसके पास एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना है और सेना के दम पे ये दक्षिण को भी अपने अंडर लेना चाहता है। याद करो इसने 1292 में भिलसा अभियान चलाया था, 96 में इसे देवगिरी अभियान में जीत के आया था ना, यानी इसको ये भनक थी कि साउथ की तरफ मेरा जाना पॉसिबल है, अमीर लोग हैं, तो अब अपनी इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा और यहां पे जो इलाका है देवगिरी का, आज के महाराष्ट्र में एक इलाका पड़ता है देवगिरी, दौलताबाद इसी का नाम है, ये इसके ऊपर दोबारा अटैक करेगा। दोबारा आक्रमण हुआ इसके ऊपर देवगिरी का, पहला अटैक इसने 1296 में बिना अपने जो चाचा थे उनकी परमिशन के किया था और फिर यहीं से प्लान करके उनका मर्डर किया था। फिर कुछ साल बाद ये दोबारा आएगा 1296 के बाद, ये 1307-8 के आसपास आएगा और अब देवगिरी के राजा के साथ ही अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि समझ जाएगा कि उत्तर और दक्षिण के बीच की कड़ी है ये देवगिरी का इलाका। अगर मेरे संबंध, ये राजा सोच रहा है मेरे संबंध अगर देवगिरी के राजा के साथ मैं अच्छे बनाता हूं तो मुझे एक पुल का काम करेगा ये देवगिरी का इलाका, क्योंकि अगर मेरे संबंध इसके साथ अच्छे हैं तो ये मेरी सेना को अपने यहां रख लेगा, हमें रास्ता दे देगा, हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। और अपनी चालाकी का परिचय देते हुए इसने देवगिरी के राजा को इंप्रेस कर दिया, जीता लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं की और फाइनली देवगिरी के बाद इसका नीचे की तरफ अटैक करना बेहद आसान हुआ और ऐसा करते करते ये उत्तर भारत की इस बेल्ट के बाद दक्षिण भारत की बेल्ट का भी स्वामी बन गया। और इसलिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स बहुत बढ़िया थे, जो इसने चेंजेस किए थे ना, चाहे वो बाजार को लेकर थे, वो सेना को लेकर थे या वो दक्षिण के अभियान को लेकर थे, इसका टाइम अपने टाइम का बेस्ट टाइम था। और कितनी अजीब बात है कि ग ख तस्लम में ढेरों वंश आए, सबसे छोटा वंश महज 30 साल का जो वंश था उसमें इतना प्रतापी राजा हुआ कि 20 साल तक इसने राज किया, 30 में से 20 साल अकेले इसके हैं, 6 साल इसके जिसका मर्डर इन्होंने किया था उसके और बाद के 4 साल तो दिखावटी थे, इनके बाद जो भी राजपाट करने आए फॉर्मेलिटी करने, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो अब ये धीरे धीरे आज अभियान पढ़ते हैं, ये अभियान सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, इनमें कैसे इसने बढ़ा हासिल की, कौन राजा था, एग्जाम में आ जाता है, जैसे पूछेंगे होयसल अभियान में कौन था राजा, या कह देंगे कि देवगिरी अभियान के समय राजा कौन था, गुजरात अभियान में जब अटैक किया तो कौन राज कर रहा था, क्या कारण थे। तो आज मेरा टारगेट है इन अभियानों को, आपने कई लोगों ने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपने पत्नी वाली कहानी नहीं, पत्नी वाली कहानी नहीं बताई, तो आज उन सब अभियानों को टारगेट करके इसकी पूरी विजयों की जानकारी लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात अभियान की, तो ये कैसे इस बेल्ट का जो राजा है वो गुजरात, अभी राजस्थान इसके पास नहीं है, ये राजपूत इलाका अलग राजा है राजपूत, और राजपूत जो है इनका डर था कहीं ना कहीं विदेशियों को, ये बहुत ताकतवर थे, यानी वो गौरी से लड़ गौरी जब आया था यहाँ तो देखो विधवा औरत थी नायिका देवी, माउंट आबू के पहाड़ों में हराया था किसको, गौरी को, यानी एक विधवा औरत ने अपने बेटा जो एक ही साल उसी साल राजा बना उसके सहयोग से गौरी जिसका कि नाम इतना बड़ा था, जैसे पता नहीं कितनों को हराया उसको भी हरा दिया था, भारत में पहली हार थी, तो जिसने गौरी को हरा दिया ये ऊंचे राजवंश के तो रहे ही होंगे, तो ये गुजरात राजस्थान का जो इलाका खासकर राजस्थान का ये राजपूती राजाओं से भरा हुआ था और राजपूती अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं, जो कह दिया उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस पर अटैक नहीं किया, अभी यहाँ दिल्ली मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, यहाँ लाहौर है, ये पूरी टेरिटरी इनकी है। अब अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, तो इसने क्या किया 1296 में राजा बना ना, इसके ही तुरंत बाद 1298 में, फिर 1299, फिर 1303 में, फिर 1305 में, 11 में, हर साल लगभग लगभग ये अभियान चलाता था। तो इसने सबसे पहले टारगेट बनाया कि मैं कैसे गुजरात के राजा को जीतूं, तो इसने अपनी दिल्ली से एक फौज, राजधानी दिल्ली थी, फौज भेजी जो राजस्थान को क्रॉस करते 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 यहां आ गई। अब इस टाइम में इसके पास उलूग खान और एक नुसरत खान, दो खास आदमी थे इसके सेनापति, तो अपने दो सेनापतियों को भेजा कि जाओ दिल्ली से गुजरात के राजा को हरा के और उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा कब्जा होना चाहिए। तो ये गुजरात अभियान में आ गए, आगे ताकतवर थे नुसरत खान और उलूग खान, इन्होंने यहाँ के राजा पे अटैक किया। ये हिंदू राजा था, चौहान वंश का राजा था, इसका नाम था राम, ये देवल देवी की बेटी थी, दिमाग से नाम निकल गया मेरे, और कमला देवी इसकी पत्नी थी। तो इस राजा के ऊपर राय करण बघेल, ये नाम था, पिछली वीडियो में भी नाम आया था, जिसको डिटेल
से समझा रही हूँ। तो राजा कर्ण बघेल था जिसके ऊपर अटैक कर रही है दिल्ली से आने वाली दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की सेना। राजा कर्ण बघेल जो है वो हार गया और हार के समझदार था, इसको देखा कि मरने की क्या जरूरत है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भाग गया और अपने साथ इसकी पत्नी का नाम है कमला देवी, इसको यहीं छोड़ गया कमला देवी को, और अपनी बेटी देवल देव, ये इसकी पुत्री है देवल देव, इसको लेकर ये और ये और यहां से भागे और रातों रात जाकर इन्होंने शरण ले ली यहां देवगिरी के राजा के पास जिसका नाम था रामचंद्र देव। तो गुजरात अभियान में जब ये लोग आए ना तो देखा राजा गायब है, राजा गायब तो और आसान होता है लूटना, तो उन्होंने गुजरात के एरिया में एक फेमस मंदिर याद करो सोमनाथ का मंदिर, मैंने आपको बताया था कैसे लूटते थे इसको, सोमनाथ मंदिर आदमगढ़ की मूर्तियां थी, शिवजी भगवान का फेमस मंदिर था ये और बिल्कुल अरब सागर से टच है, अगर आप घूमने जाए तो आप देखेंगे अरब सागर की दीवार के साथ टच होता है, पानी बिल्कुल दीवार से लगता है। तो सोमनाथ मंदिर जो कि पहले भी लूटा गया था, हमने पहले पढ़ा था ना 1024-25 में इसके ऊपर अटैक हुआ था गजनवी के टाइम, इसने 17 आक्रमण किए थे, वापस से सोमनाथ बन गया था, सोमनाथ को फिर से लूटा, जैसे ये लोग आए राजा भाग गया, राजा भाग गया तो शहर लूटेंगे, धन संपत्ति इकट्ठी करेंगे ना, तो यहां से गुजरात के बड़े बड़े शहर लूटे और सोमनाथ मंदिर खास लूटा क्योंकि राजा अपनी बेटी को लेकर चला गया यहां देवगिरी के राजा के यहां शरण में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सोमनाथ मंदिर को लूटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे इनको एक ऐसा आदमी मिला दासों के मार्केट में, एक आदमी मिला कहते हैं 7 फुट उसकी हाइट थी, 7 फीट की हाइट वाला एक आदमी जो कि हिंदू हिजड़ा था, इसका नाम था मलिक काफूर और ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा कैरेक्टर है मलिक काफूर, इसके कारण कहते हैं दक्षिण भारतीय अभियान में विजय हासिल की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मलिक काफूर दासों के मार्केट में, जैसे दासों का बाजार था मैंने आपको 4 प्रकार के बाजार बताए थे, अब दासों के बाजार में मलिक काफूर खड़ा है और अभी राजा बना है अलाउद्दीन खिलजी, 96 में तो नहीं है 2 साल की घटना है ये, अभी इसके दो बड़े आदमी हैं उल्लू खान और नुसरत खान, लेकिन इस मार्केट में उन्होंने देखा कि ये बहुत लंबा तगड़ा और जैसे एक बलशाली टाइप का आदमी दिख रहा है, वैसे ये हिंदू जड़ा था, इसको उन्होंने खरीद लिया, 1000 दिनार में खरीदा गया, उस टाइम मुद्रा का नाम दिनार था, सोने के सिक्के होते थे ये, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी और यहां से इसको एक मान लीजिए गहना था ये इस राजा के लिए। तो दो बड़ी अचीवमेंट क्या है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो ढेर धन निकला और फिर तीसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से 1000 दिनारी मलिक काफूर को लेकर गए जिसने कि अपनी योग्यता के दम पे एक नौकर के रूप में गया दास के रूप में और फिर ये सेनापति की पोस्ट तक पहुंचा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो यहां है ना उल्लू खान और नुसरत खान ये हट जाएंगे कुछ साल बाद। खैर अभी देख लीजिए गुजरात के इलाके में इनको बहुत फायदा हुआ, खूब पैसा मिला, गुजरात के इलाके में जब ऐसे पैसा लूट के गए ना वापस, तो वापसी में जाते वक्त जैसे राजा के पास जो धन आता था लूट का उसका इसने अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा चेंज किया था, इससे पहले अलाउद्दीन से पहले था जो भी लूट का धन होगा, लूट के धन में मान लो 10 करोड़ की कीमत का धन लूट के ले गए तो इस 10 करोड़ का बंटवारा करते थे, कैसे, इस टोटल लूट के धन का 3/4 हिस्सा तो सेना को मिलता था, सैनिकों को मिलता था और 1/4 हिस्सा राजा या सुल्तान रखता था। अलाउद्दीन ने कहा सेना को इतनी क्या जरूरत है, उसने उल्टा कर दिया, इसने लूट के धन में मेरा हिस्सा ज्यादा, राजकोष में जाएगा धन और जो सेना है ना इसको मिलेगा 1/4। इस बात से चिढ़ गए मंगोल, याद है 4000 मंगोल आके बस गए थे, अगर तुम्हें याद हो उल्लू खान नाम का एक आदमी था, 4000 मंगोलों को लेकर बोला ही बसूंगा और जलालुद्दीन ने कहा ठीक है बस जा, इसी के तो चाचा थे वो और जलालुद्दीन के टाइम में मंगोलपुरी बना था, मंगोल जो मुसलमान थे नवीन मुसलमान, अब ये सेना में भर्ती हो गए और ये क्या करेंगे, मंगोल खेती थोड़ी कर सकते हैं, ये अलग जाति के लोग हैं, खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये अलाउद्दीन की सेना में भर्ती हो गए और जब लूट के धन में से बंटवारे की बात आई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और बोले ऐसे कैसे राजा 3/4 लेगा, हम लूट के लाए हम लेंगे, तो राजा ने कहा इनको पकड़ो मारो, जैसे ही खबर मिली कि मारेंगे यहां से भाग गए दिल्ली से, भागते 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 राजपूतों के इलाके में आके छिप गए, ये कुछ मंगोल सैनिक जिन्होंने विद्रोह किया। अब ये किसके दुश्मन है, अलाउद्दीन के, अलाउद्दीन से तो उल्टा बोल के भागे थे कि तू कैसे लेगा 3/4, अलाउद्दीन ने सेना भेजी पकड़ो इनको, यहां राजपूतों के राज्य में आके और इनको पता नहीं कैसे बहलाया फुसलाया, हमीर देव नाम का राजा था यहां, हमीर देव, ये हमीर देव ना प्रॉपर जो ये हिंदू होते हैं कट्टर के भैया, जबान दे दी तो जबान के सामने मरना तय है, जबान से नहीं फिरेंगे, अब हमीर देव के सामने हाथ पैर जोड़ दिए तो बेशर्म भी तो थे ना बहुत सारे लोग, तो हमीर देव ने कहा ठीक है मेरी शरण में आ जाओ, कोई मतलब नहीं हमीर देव का ना, हमीर देव उनका टारगेट ना, वो अटैक करना चाहते थे जो दिल्ली से आएंगे, लेकिन हमीर देव अड़ गया, अब वो आए दिल्ली से कि अलाउद्दीन ने कहा कहां है उनको पकड़ के हमें ले जाना उनको मारेंगे, तो हमीर देव ने कहा मैं तो अपना राज महल में जो आ गया ना मेरी शरण में, मैं उसको खाली नहीं छोड़ सकता, ये मेरे आदमी है लड़ना है तो मुझसे लड़ लो, कितना मतलब देखा जाए तो मूर्खता है ये, आ बैल मुझे मार के आप क्यों पंगे लेने, किसके लिए लड़ने मरने को तैयार है, ना कोई प्रॉपर्टी मिलनी ना कोई नाम खड़ा होना, फालतू के आपस क्यों की लड़ाई है, भगोड़े आदमी है दूसरे देश से वैसे आके बस में, लेकिन जबान देरी तो अड़ गए और बोले नहीं खुलूंगा गेट और अपने राजमहल के अंदर उनको सेफ रखा और उनके मजे देखो ना इंडिया को बिलोंग करते ना कोई मतलब ना वास्ता यहां आके आपस में लड़वाएंगे, इंडियन राजा और एक यहां के यहीं का मान लीजिए मुसलमान राजा को फायदा उठा रहे हैं मंगोल सैनिक, तो ये इंडियंस की मूर्खता है कहीं ना कहीं। खैर अब घुस गए वो तो राजपूत अड़ गए अपनी बात पे, राजा था शाही राजा और कहा नहीं खुलेंगे गेट, हमारे मेहमान है हमने जबान दे दी, ठीक है जबान दे तो लड़ लो फिर इनके, तो हमीर देव के ऊपर चढ़ाई कर दी, फिर वही अगला साल 1299 तो इसलिए कहते हैं गुजरात अभियान से ही क्लियर हो गया था कि अब राजपूतों के ऊपर अटैक होगा, जब अभियान से वापस गए तो पैसा किसी क्वीन में, अब ये वही उल्लू खान नुसरत खान आए इसे हरा भी दिए, हार गए वो, तो फिर अलाउद्दीन तक खबर गई ऐसे ऐसे आपके दुश्मन बैठा रखे हैं और हमें तो हरा दिया, अलाउद्दीन का टिकट मैं खुद जाऊंगा और अपनी सेना लेके अलाउद्दीन ने इस राजपूत हमीर देव राजा पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं 3 महीने तक अलाउद्दीन बाहर बैठा रहा, महल था अभेद, भेद नहीं सकते थे, बैठे रहेंगे वो बाहर पड़िए से नहीं अंदर आराम से अपना आराम फरमाने, कोई नहीं चिंता नहीं, लेकिन एक गद्दार था आदमी रणमल, उसने जाके चुगली कर दी और बता दिया इस अलाउद्दीन को कि इस जो महल है ना इसका गेट का कौन सा हिस्सा कमजोर है, वहां अगर तुम लोग काम करोगे थोड़ी सी कोशिश करोगे तो उसको तुम तोड़ सकते हो, और ऐसे गद्दारों के कारण इंडिया का इतिहास को कैसे बदला है, अब उस रणमल की गद्दारी के कारण सारी सेना यहां के अटैक करती है और ये गेट टूट जाता है और थोड़ी देर में सारी सेना अंदर, और जब अंदर घुस जाते हैं तो जो आराम से बैठे हुए थे हमीर देव उनके आदमी उन सबको ये गुस्से में आके काट डालते हैं, इसका वर्णन किया है इतिहास में और लिखा 30,000 राजपूतों को काट दिया था, 30,000 सैनिक मार दिए, उनमें राजपूत थे सैनिक, सैनिक मिली राजपूत थे और यहां की महिलाओं ने जब ये होना कि गेट तोड़ एकदम से नहीं टूटता, इसको टूटने में कई दिन लग जाते हैं, कई दिन कई हफ्ते लग जाते हैं, तो उन्होंने तैयारी कर रखी थी अगर ये गेट टूट गया, वो जानते थे कमजोर है टूट जाएगा, तो उन्होंने अंदर तैयारी कर रखी थी और महिलाओं ने वो जौहर की प्रथा को याद होगी ना जिसमें वो देखो बहुत बड़ा भारी भरकम सा गड्ढा खोदते थे, गहरा गड्ढा कम से कम 6-8 फीट का और इसके अंदर वो कोयले डाल के उन्हें आग जला के रखते थे कि अगर कभी हमारे ऊपर ऐसा अटैक हुआ मुस्लिम कम्युनिटी का तो हिंदू महिलाएं थी कि हम लोग जो है जितनी भी औरतें राजमहल में 10,000-5,000 औरतें मान लो वो सब इस आग में कूद जाएंगी, इसे जौहर प्रथा कहते थे और ये जौहर सबसे पहले किया था दाहिर की पत्नी ने, जब मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी याद होगा ना अरब मुस्लिम था उसने 712 में जब दाहिर के सिंध पे इलाके पे अटैक किया तो दाहिर का जो नलायक बेटा था जैसे वो भाग गया था अपनी मां को छोड़कर और उसकी मां जो विधवा हो गई थी क्योंकि दाहिर मर चुका था उसने औरतों के साथ पहली बार जौहर किया था। अब यहां राजपूतों की जो लड़कियां हैं जो इनकी पत्नियां हैं ये राजपूत महिलाएं इन्होंने देखा कि किला टूट गया 30,000 आदमी मार दिए तो तुरंत वो महिलाएं तैयार थी वो जौहर हजारों महिलाओं ने यहां जौहर किया और इस तरह से राजपूती एक मान लीजिए कि सिर्फ जबान देने के कारण ये इतने कट्टर थे अपनी बात पे कि मैंने बात कह दी इनको मरने की जरूरत नहीं थी वैसे हमीर देव को आप समझो कि उनका कोई पंगा नहीं था ना वो मंगोल वालों को शरण देते इनका नाम इतना था इनका किला ऐसा था कि इनके ऊपर शायद कभी अटैक ना कर पाता अलाउद्दीन करता तो वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि देखो किला भेजने की भी चुगली की गई वरना किला भेजने लायक नहीं था बहुत तगड़ा काम कर रखा था इन्होंने तो इस तरह से राजपूत इलाका भी इनके अंडर आ गया राजपूत अब देखना ये गुजरात भी इनका ये राजपूत भी इनका पूरी वाले टेरिटरी इनकी है पूरा इलाका इनका फिर इन्होंने मालवा के राजा को हरा दिया और ऐसे करते करते एक दो और छुट्टी करके ये पूरी बेल्ट अब दिल्ली सल्तनत है अब इनका टारगेट है दक्षिण भारत का अभियान
और इस टाइम तक आते आते अपने आपको प्रूफ कर दिया था मलिक काफूर ने। तो मलिक काफूर ने जब अपने आपको प्रूफ कर दिया तो दक्षिण के अभियान में नुसरत खान और उलूक खान नहीं जाएंगे, दक्षिण भारत का अभियान एक ताकतवर सेना के दम पे मलिक काफूर को संपन्न करने का बीड़ा दिया जाएगा। अब देवगिरी पे क्यों अटैक हुआ इसके बारे में बात करते हैं। जो ये राजा था ना देवल देव जिसकी बेटी थी, अभी मैंने नाम लिया था राजा कर्ण बघेल, कहां का राजा था ये, गुजरात का। पहली बात, गुजरात का राजा कर्ण बघेल भाग गया था ना, इसकी पत्नी तो रह गई थी कमला देवी, उस कमला देवी से शादी कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बन गई कमला देवी और कहते हैं उसकी चहेती पत्नियों में से थी। तो कर्ण बघेल जब भाग गया था बचने के लिए और अपनी बेटी को साथ ले गया था जिसका नाम था देवल देव, ये इसकी पुत्री है, नाम से आदमी का लग रहा है लेकिन इसकी बेटी है। तो इन दोनों ने गुजरात से भाग के शरण ली थी देवगिरी में, इसलिए देवगिरी पर अटैक होगा। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे, नाम में ही हिंदू दिख रहे हैं रामचंद्र देव, इन्होंने शरण दे दी किसको, गुजरात से भागे हुए राजा और उनकी बेटी को। तो एक कारण मान लिया गया 1296 में, तुम्हें याद होगा दक्षिण भारत अभियान में देवगिरी पर ही अटैक किया गया था, जब इसने किया था किसने, अलाउद्दीन ने बिना परमिशन के अपने अंकल की। तो देवगिरी अभियान में जब ये जीत के आया था तो पैसा तो लाया लाया था, उस टाइम पर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ही थे, इन्हें कहा था कि आप हर साल बिना हमारे हम बार-बार अटैक नहीं करेंगे, आप बिना सोचे समझे एक मोटी रकम राजस्व के रूप में दिल्ली पहुंचा देना, यानी बैठे बिठाए अपनी कमाई का परमानेंट साधन बना के आया था ये अलाउद्दीन खिलजी जब इसके अंकल जिंदा थे। तो देवगिरी के राजा राजस्व भिजवाने लगे, डर बड़ी चीज होता है, फिर दोबारा आएगा हमारे पिटा क्या रखा है, हर साल भिजवा देंगे। 1296 से 1305 तक ये इन्होंने भिजवाया, फिर इनको लगा 10 साल हो गए अब राजा की क्या पता औकात क्या हो, हम क्यों भिजवाएं टैक्स, भिजवाना बंद कर दिया। 1305-6 में टैक्स नहीं भिजवाया, जब टैक्स नहीं भिजवाया तो अलाउद्दीन को खबर मिली कि जी ऐसे ऐसे इस बार वहां से टैक्स नहीं आया, इतना करोड़ का आता था, अलाउद्दीन का अच्छा इसका मतलब लगा लिया। तो टैक्स ना भिजवाने के कारण ये दूसरा कारण है, एक कारण तो कर्ण बघेल को शरण दी, तो कर्ण बघेल दुश्मन था ना, तभी तो भागा था, कर्ण बघेल मेरे दुश्मन को शरण क्यों नहीं, पहला कारण। दूसरा, तूने टैक्स क्यों नहीं भिजवाया, इस साल का राजस्व क्यों नहीं भिजवाया, तो 1307 में इसके ऊपर दोबारा आक्रमण किया, पहला आक्रमण 1296 में था, अब आक्रमण है 1307 में। ये कारण बता रही हूं दक्षिण की तरफ क्यों जा रहा है, एक कारण इनको शरण देना, दूसरा कारण टैक्स ना देना। तीसरा, जो ये कर्ण बघेल था ना देवल देव जिसकी बेटी थी जो कि भागा था गुजरात से, इसकी पत्नी कौन थी, कमला देवी, कमला देवी अब किसकी पत्नी है, अलाउद्दीन खिलजी। तो कमला देवी ने रिक्वेस्ट की कि बहुत दिन हो गए मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मेरा मन कर अपनी बेटी से मिलने का, तो उसकी बेटी से मिलवाने के लिए तो बहाना है, पर फिर भी इसमें लिखा है कि कमला देवी के कहने पर कमला देवी अपनी बेटी से मिलना चाहती है और बेटी कहां है, देवगिरी के राजा के पास, तो देवगिरी पर अभियान चलाता है और कमला देवी की इच्छा पर भी इस अभियान को लिखा गया है कि चलाया गया। तीन कारण बता दिए, पहला राजा कर्ण बघेल को शरण दी जो कि भागा था, दूसरा इसकी पत्नी कर्ण बघेल की पत्नी किसकी पत्नी अलाउद्दीन, उसने कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना, बेटी कहां है, देवगिरी में, इसलिए। तीसरा, देवगिरी 1296 में जीता था तब से टैक्स दे रहा था, अब टैक्स नहीं दिया। तो तीन कारणों से दक्षिण की तरफ अभियान चलाया और मलिक काफूर गया और फाइनली इसको हरा दिया, किसको, जो देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव, और इसको हरा के देखो कितना चालाक है अलाउद्दीन, इसकी बेइज्जती नहीं कि न मारा न लूटा, फिर क्यों हराया, हरा के और अपने दिमाग में प्लान बनाया कि अगर इस राजा के साथ मैं अच्छा बिहेवियर करूं, अच्छा व्यवहार करूं और इसके साथ फ्रेंडली हो जाऊं तो कल को जब मुझे दक्षिण भारत का अभियान चलाना पड़ेगा तो ये मेरी मदद कर देगा। तो बीच का एक पुल है ना महाराष्ट्र, तो बड़ी चालाकी से देवगिरी के राजा को अपना दोस्त बना लिया और इसको हारने के बावजूद एक सिंबल था, एक स्वर्ण छत्र, सोने से बनी छतरी, जैसे राजा होता है ना राजा, राजा जब भी कभी दिखाते हैं राजा के पास छतरी टाइप दिखाते हैं, तो स्वर्ण छत्र दिया इसको कि भाई आप बेशक हारे लेकिन हमारे लिए बहुत इज्जत आदमी है और ये लीजिए सोने की बनी बड़ी सी छतरी, जैसे कि उसके एक सिंबल है कि आपकी ताकत एज इट इज रहे। तो स्वर्ण छत्र पाके राजा खुश हो गया और फिर इसने आगे से इसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया। तो ये मान लो कि उत्तर के से दक्षिण जाने का रास्ता जो था इसके ऊपर अब अटैक नहीं करना पड़ेगा, ये राजा अगर ये नहीं इसको बहलाता तो ये हो सकता है दक्षिण वालों के साथ मिल जाता, तो अपने फायदे के लिए लॉन्ग रन में अपना फायदा देखते हुए देवगिरी के राजा को दोस्त बना लिया, हारने के बावजूद उसकी इज्जत रखी और उसको स्वर्ण छत्र और राय सायान करके या राय रायान भी लिखा है एक उपाधि भी थी। तो कितना चालाक आदमी है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के कारण तो चीजें जो है आगे बढ़ पाई। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें जो उत्तर भारत से ही जुड़ा था, पद्मावती का किस्सा। पद्मावती आप अच्छी तरह जानते हैं, पद्मावती या पद्मिनी, रानी पद्मिनी किसकी पत्नी है, ये पत्नी है चित्तौड़गढ़ जिसकी राजधानी है, जो मेवाड़ का इलाका ना राजपूताना, राजपूत मतलब एक राजधानी ढेर राजा थे, तो एक इलाका था जिसको आप मेवाड़ के नाम से जानते हैं, मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ भी लिख देते हैं, चित्तौड़गढ़ भी यही है, तो ये इनकी राजधानी है। तो मेवाड़ के ऊपर या चित्तौड़ के ऊपर एक अभियान चलाया, कहते हैं कि अब ये झूठी बात है जो आ रही है लेकिन फिर भी दंत कथा है तो मैं बता होनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में अब ये चीजें झूठी भी लिख दी जाती है। ये घटना है 1303 की, 1303 से 1305 के बीच में कहते हैं घटित हुई थी और जो मैं बताने जा रही हूँ ये किताब में लिखा गया 1540 में, भाई 200 साल तक कौन जिंदा बैठा था जिसने बातें देखी थी, कोई भी ना, यानी बातें सुनी सुनाई बातें हैं। कहते हैं चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी बहुत सुंदर थी, अद्भुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, तो उसका ये चर्चा था कि रानी बहुत सुंदर है, ये चर्चा चलते 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 अलाउद्दीन के पास पहुंचा, तो अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ का राजा है रतन सिंह इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, पहले से कहा कि भाई सुना तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और राजपूत है तो अपनी पत्नी को ये ऐसे नहीं दिखा दें, तो कहा कि इसकी चेहरा या तो शीशे में दिखा दो या पानी में, तो रतन सिंह इस बात पर अड़ गए, झूठी कहानी लग रही है सुनकर, लेकिन फिर मैं बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे वरना किस्सा नहीं बताया। तो रतन सिंह जो है अड़ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी बेइज्जती है, राजपूत अपनी जैसे वाइफ या बेटियों को थोड़ी खाते हैं और तुम तो वैसे दूसरी कम्युनिटी के हो, तो रतन सिंह के ऊपर चढ़ाई कर दी और रतन सिंह जो है वो लड़ने को तैयार, कमजोर थे बजाय अलाउद्दीन के, अलाउद्दीन बहुत बड़ा राजा बन चुका, बड़ा सुल्तान है, रतन सिंह के ऊपर जब चढ़ाई की गई तो वो लड़ाई झगड़ा चला काफी लंबे टाइम, लेकिन फाइनली रतन सिंह हार गए और हारने के बाद जैसे ही वो फौज अंदर घुसी तो यहां रानी पद्मावती ने जौहर को अपना लिया था। जौहर राजपूताना जितनी भी महिलाएं हैं ना, जब जब इनके ऊपर चढ़ाई हुई है इनके राजाओं के ऊपर, तो महिलाओं ने एक ने नहीं, सारी जितनी महिलाएं थी उन सबके रानी है, जैसे सेनापति की पत्नी या बाकी भी बहुत सारे लोगों की पत्नियां, उन सब ने जौहर की प्रथा में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो रानी पद्मावती का किस्सा भी फेमस है, ये पद्मावती की कहानी हमें 1540 में कौन बता रहा है, एक आदमी जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ये अकबर के टाइम में लिखी गई है, घटी है अलाउद्दीन के टाइम में लेकिन लिखी है अकबर, अलाउद्दीन तो भाई 1296 से 1316 तक राज करेगा और अकबर का राजपाट जो शुरू होगा वो बहुत लेट शुरू होगा, 200 साल का अंतर, तो 200 साल में कहानी मान के चलो घटा बढ़ा दी गई होगी लेकिन फिर भी फेमस किस्सा है, इसलिए ध्यान रखना रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, जिसके कारण जिसकी सुंदरता के कारण ये किस्सा फेमस हुआ, इसके लिखा 200 साल बाद गया लेकिन क्योंकि फेमस है दंत कथा होगी तब भी हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसा करते करते ये पूरी बेल्ट का स्वामी कौन बन गया, अलाउद्दीन खिलजी, कारण था ताकतवर सेना। ऐसे ही अभियानों में फिर एक दक्षिण में जो ये देवगिरी के बाद आया ना अगला नंबर, ये इस तरफ के होयसल और ये अपना काकतीय वंश वारंगल अभियान है, बता देती हूं फिर इकट्ठा पढ़ा दूंगी। क्या हुआ, देवगिरी में अच्छी दोस्ती हो गई, चालाकी से अलाउद्दीन ने दोस्ती कर ली, अब अगला टारगेट बनाया देवगिरी से ही जुड़ता हुआ इलाका, यहां ये है होयसल, यहां के राजा थे
और यहाँ एक वंश था काकतीय वंश, काकतीय। ये सब मैंने स्लाइड्स बनाई हुई, यहाँ से समझ लो काकतीय वंश के राजा राज कर रहे थे। तो ये काकतीय देख रहे हो ना, ये आज के टाइम में मान लो तेलंगाना वाला इलाका है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का जो इलाका है ये यहाँ था काकतीय वंश। तो हुआ क्या, अब यहाँ तक की पूरी बेल्ट ऑलरेडी किसके पास है, लाउदीन खिलजी के पास। तो इसने अगला टारगेट बनाया यहाँ भेजना, तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान में काकतीय वंश का राजा है, इसके ऊपर चढ़ाई हो गई। तो ये जो राजा है ना, ये कहना समझदार है या डरपोक भी था कहीं ना कहीं, जब वो चढ़ाई हुई तो इसने तुरंत ही थोड़े दिन लड़के और हार मान ली और हार मान के अपने आपको सेव कर लिया। तो काकतीय वंश जो है इसके ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस बेल्ट पर कब्जा जमाया, रेवेन्यू लेने लगा, पैसे लेने लगा। ऐसा नहीं कि मैं राजपाट चलाऊंगा, कहते हैं कि यहीं पर उसको एक राजा था प्रताप रुद्रदेव, कहीं कहीं रुद्रदेव प्रताप भी लिखा है, प्रताप रुद्रदेव। अब इसने इसको जब लड़ाई हुई ना तो बहुत ज्यादा हानि ना हो तो बहुत चालाकी से क्या किया, अपनी एक आदम करके 6-7 फुट की सोने की मूर्ति बनवाई और सोने की मूर्ति को जंजीरों से जकड़वा दिया अपने आप ही, और वो मूर्ति भिजवा दी अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन के बिहाफ पे काम करने को आया था जो 1000 दिनारी था, क्या नाम था उसका, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जहां ठहरा हुआ था, यहां कुछ लोग जो है वो मूर्ति उठा के लाए सैनिक, तो देखा कि राजा की मूर्ति और खुद को उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया, मतलब मैं आपकी दीनता स्वीकार करता हूं। तो उसने फिर उसको खुश करने के लिए इस मलिक काफूर को गोंडवाना की खदान से ना एक बहुत बेशकीमती हीरा निकला था, कोहिनूर का हीरा। आप अच्छी तरह जानते हैं कोहिनूर हीरा वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत हीरों में इसकी गिनती होती है और इतिहास की पुरानी किताबों में इसका जिक्र आया। बाबर ने किताब लिखी है ना अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, उसमें भी लिखा है कि साउथ के राजाओं के पास इस तरह का कोई हीरा था। इस हीरे की भी अलग अलग कहानियां हैं, ये कहीं पे साउथ में खदान से निकला है और यहां से हीरा अब दिल्ली की तरफ ट्रेवल करेगा, क्योंकि हीरा साउथ के उस राजा ने जो कि डर गया था और उसको लगा कि बड़ी सेना के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं मार जाऊंगा, तो खुद की सोने की मूर्ति जंजीर में जकड़वा के, और ये हीरा किसको गिफ्ट कर दिया, मलिक काफूर, कि मेरी तरफ से गिफ्ट है अलाउद्दीन खिलजी को दे देना। तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा कोहिनूर हीरा, बाद में ट्रेवल करते करते नादिर शाह ले गया, फिर रणजीत सिंह के पास आया, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब वाले। आज की डेट में अगर कोहिनूर हीरा देखेंगे तो महारानी ब्रिटेन के ताज में लगा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच आपकी पीडीएफ पिक्चर्स जो होती है ना ये इनमें देख सकते हैं, बहुत सुंदर हीरा है। कहते हैं ओरिजिनल तो और भी अच्छा था, फिर धीरे धीरे इसको कटवाया जाता रहा और अब ये उतना बड़ा नहीं है जितना कि ओरिजिनल हीरा, अभी बहुत मोटा भारी भरकम हीरा दिया था इस साउथ के राजा ने मलिक काफूर को। टाइम बीता गया, इसको कटवाते गए और फाइनली आज ये लंदन में महारानी ब्रिटेन जो काफी एज है, बुढ़ी है, उनके ताज में लगा हुआ है। तो इंडिया का है, पूरी दुनिया जानती है इंडिया के खदान से निकला, लेकिन अब कौन वापस देगा। तो ऐसे कहीं कहीं देशों में कभी अफगानिस्तान गया, कभी ईरान गया, कभी इंडिया वापस आया, फिर फाइनली चला गया महारानी ब्रिटेन के कब्जे में। तो ये था वो बेशकीमती कोहिनूर हीरा। इसी तरह करते करते उन्होंने यहां पांड्या, याद है पुराने पांडे पढ़ाए थे तुम्हें, जिनकी राजधानी थी मदुरै, एक छोटा सा राजा था पांडे में, वीर पांडे नाम था इसका, इसके ऊपर भी अटैक किया। वीर पांडे मदुरै अपनी राजधानी छोड़कर ही भाग गया, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं हार मानता हूं, भाग गया, हार नहीं माना। तो कहां के राजा ने हार नहीं मानी थी, पांडे ने। अब जिसने अपनी फोटो बनवाई इतनी आदम करती हो जंजीरों, तो हार तो मान ली, इसने भी हार मानी, इधर वाले ने भी हार मानी, सबने हार मानी, लेकिन पांडे अपने इलाका छोड़कर भाग गया, हार नहीं मानी। देखो वो जो भागा था उसकी पत्नी तो वहीं रह गई थी ना, ये भी एक हार का ही तरीका था, कि उसकी पत्नी से शादी किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने, कहीं ना कहीं तो बेइज्जती थी, लेकिन ये पांडे राजा ऐसा भागा कि वापस नहीं आया जब तक वो यहां रहा, और ये भी नहीं माना कि मैं तुम्हारे अधीन हूं। तो पांडे ऐसा राजा है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में बहुत बार आ जाते हैं, आप इनको किताबों से पढ़ो तो कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आते। ये स्लाइड्स हैं, यहां से बनाना। लास्ट तुमने जो नोट्स बनाए होंगे ना उनमें तुमने शायद जितना मुझे याद है मैंने चुनौतियां लिखवाई थी, कि क्या चुनौतियां थी अलाउद्दीन के सामने। अब हम आगे आज उसके आगे के नोट्स तुम्हें ये बनाने हैं जो स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, तो हमने कारण देखे थे, चुनौतियां देखी थी, अब ये क्यों बड़ा बना, इसके पास पैसा कहां से आया। तो इसका पहला अभियान है गुजरात अभियान, पहले इसको सुनो समझ लो, स्लाइड्स लास्ट में दिखा दूंगी, वहां से नोट्स बना लेना। गुजरात अभियान 1298-99 पे 96 में तो राजा बना है, सुल्तान बना है, 2 ही साल बाद इसने अपने एरिया को बढ़ाना, क्योंकि पैसा एरिया का राजा इसको देगा, तो बढ़ाना शुरू कर दिया। उलूग खान बेसिकली एक उपाधि है, लेकिन इसका नाम भी उलूग खान है। उलूग खान और नुसरत खान इसके सेनापति हैं, अब जैसे यहां लिख लेना सेनापति। इन दोनों के अंदर चले थे स्टार्टिंग के अभियान, फिर बाद में दक्षिण की तरफ गया था मलिक काफूर। तो इनके नेतृत्व में है गुजरात, गुजरात की तीन बातें याद रखना, एक सेनापति, एक यहां का सोमनाथ मंदिर और 1000 दिनारी, ये तीनों पॉइंट गुजरात के साथ जुड़े हैं। तो सेनापति ये दो थे, गुजरात के शासक थे राय कर्ण बघेल, जो चले गए थे अपनी बेटी देवल देव को लेकर, अपनी पत्नी को छोड़ गए, इनकी पत्नी से शादी किसने की, इल्तुतमिश, फिर उसी के कहने पर उन्होंने देवगिरी अभियान चलाया। पत्नी का नाम कमला देवी, देखो नीचे लिखा अलाउद्दीन से विवाह किया कमला देवी ने, और इनकी बेटी का नाम था देवल देव, अपनी बेटी और अपनी जान बचाने के चक्कर में गुजरात छोड़कर चले गए देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहां शरण लेने। ये तीन पॉइंट है, इसकी पत्नी का नाम, इसकी बेटी का नाम, एक सोमनाथ का मंदिर, इसमें लास्ट पॉइंट है। तो देवगिरी के शासक कहां चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटी को लेकर रामचंद्र देव की शरण में चले गए। रामचंद्र देव भैया जो कि टैक्स नहीं देगा, फिर उसके ऊपर अटैक होगा। अलाउद्दीन ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, खुद थोड़ी आया अलाउद्दीन, इसके आदमी नुसरत खान और उलूग खान, एक हिंदू हिजड़ा मिला इनको, मलिक काफूर, 7 फुट की हाइट, लंबा तगड़ा बेल्ट, खरीदा 1000 दिनार में, इसलिए हिस्ट्री में 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है किसको, मलिक काफूर को। किसका सेनापति बनेगा ये, अलाउद्दीन खिलजी का। इस अभियान में ये नहीं था, यही आज एग्जाम में कौन सा अभियान नहीं किया, गुजरात अभियान में खरीदा गया था, सोमनाथ के टेंपल पर आक्रमण हुआ था और देवल देव किसकी बेटी है, रायकर्ण बघेल की, वो लेकर कहां चले गए थे, रामचंद्र देव के यहां, जो देवगिरी का राजा गुजरात महाराष्ट्र कटे हुए, ये है अभियान। नेक्स्ट देखो रणथंभौर अभियान, यानी राजपुताना इलाका, वो हम मीरदेव जिसमें फंसेंगे, भूमिका गुजरात अभियान में तैयार हो गई। मैंने क्या बताया, दिल्ली से जब सेना गई ना गुजरात में, तो इनके इलाके के बीच में से गई थी, परमिशन नहीं मांगी थी। अब हमीरदेव के मन में चिड़ तो थी, जैसे ही उसके सैनिक गुजरात अभियान की लूट के पैसे में कहेंगे हमें ज्यादा हिस्सा चाहिए, तो कहेंगे पकड़ो, और कहां भाग जाएंगे, रणथंभौर के राजा हमीरदेव के महल में, और हमीरदेव जबान दे देगा कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, और फाइनली रक्षा ना करके खुद की जान गंवानी पड़ेगी। तो गुजरात अभियान से स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसी लूट के हिस्से पर पड़ गए थे वो। राजा हमीरदेव, ये हमारा हिंदू राजा है, ने मंगोल सैनिकों को आश्रय दिया। ये मंगोल किसके सैनिक हैं, अलाउद्दीन के, उसी से विद्रोह कर रहे हैं, तो लड़े मरे हमें क्या मतलब, लेकिन हमीरदेव ने इनको आश्रय दिया। उलूग खान वही आदमी जो गुजरात में थे, नुसरत खान पराजित हुए, हमीरदेव की ताकत देखो, उलूग खान नुसरत खान हरा दिए, फिर अलाउद्दीन खुद आया 3 महीने में जाकर, चुगलखोर आदमी के कारण हारे वरना हारते नहीं। अलाउद्दीन स्वयं आया, 3 महीने लगे इसको हराने में, हमीरदेव को, राजपुताना बड़ा राजा था ये, लेकिन मेरा मत फंसा, क्या जरूरत थी लड़ाई में पड़ने की। गद्दार कौन था, रणमल, जिसने चुगलखोर ने बता दिया कि राजा का किले का कौन सा हिस्सा कमजोर है और कहां अटैक करके आप अंदर घुस सकते हो। वीर सैनिक मारे गए, पता नहीं कितने, 30,000 तो लिखित में है कि जिनके सर कलम कर दिया और काट दिए शरीर। अमीर खुसरो ने इसका वर्णन किया, अमीर खुसरो में याद है, बलबन का बेटा था शहजादा मोहम्मद, या तो बलबन ने मंगोलों से अटैक से बचने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में बड़े बड़े दुर्ग बनवाए थे, और उन्हीं दुर्गों में रक्षा करते करते 1285 में बलबन के बेटे की जान चली गई। दो ही तो बेटे थे इसके, एक बुगरा खान और एक शहजादा मोहम्मद, या मोहम्मद खान, शहजादा मोहम्मद बड़ा था, मारा गया था, उसी के गम में बलबन मरा था 1286 में, उसकी डेथ हो गई थी, वो एक तरह से चापे पकड़ गया था। तो ये वहीं का है ये, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तुम्हें पता है, मैंने कई बार जिक्र किया, इन्होंने सितार का आविष्कार किया था, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया, इन्होंने तबले पे काम किया और पहेलियां मुकरियां रची हैं, तो बहुत बड़े आदमी है अमीर खुसरो। और उस टाइम पे ना राजा बदलते थे, सुल्तान बदलते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पर्सनलिटी थी उनकी कीमत हर एक राजा ने समझी। अमीर खुसरो आज का नहीं है, ये वो पर्सनलिटी है जिसे 7 सुल्तानों का काल देखा, बलबन के बेटे से शुरू होकर, और देखो बलबन का बेटा, फिर बलबन का कैमूर था, कैकुबा
था, फिर अलाउद्दीन के चाचा थे जलालुद्दीन, अब अलाउद्दीन, और अभी भी रहेगा, अभी मरेगा नहीं। सात सुल्तानों का काल देखा है इस आदमी ने। सोचो, सात राजा आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, ये एज इट इज बैठा रहा। इसने लिखा है कि 30,000 आदमी मारे थे किसके, हमीर देव के। 30,000 राजपूत मारे गए। जौहर का वर्णन भी किया है अमीर खुसरो ने। फर्स्ट जौहर किसने किया था? राजा दाहिर की पत्नी थी। दाहिर कौन? इसके ऊपर पहली बार मुस्लिम अटैक हुआ था, पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में था, मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल का लड़का था ये मोहम्मद बिन कासिम के कारण, ठीक है। तो ये फर्स्ट जौहर था इंडिया में। अब जौहर एक परंपरा बन जाएगी और राजपूताना तो बहुत सारी औरतें जौहर करेंगी, लेकिन पहला 712 का है। अब हम जो बात कर रहे हैं ये तो मेडिवल में आ गई है। किसका सेनापति? अब मुझे नाम नहीं था उसका, वो इतनी बड़ी हस्ती नहीं था। और मंगोलों का सेनापति, मंगोलों के बारे में जब पढ़ाया तो याद करो मंगोल अटैक करते थे, लेकिन मंगोलों में एक ही नाम बड़ा था, चंगेज खान, जिसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। उसने बहुत दुनिया को लूटा, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, अब चीन की तरफ का एक आदमी कहां किसको लूटा हमें नहीं याद करना, लेकिन वो जब इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो हमने पढ़ा था कि उसका हेड कौन था, चंगेज खान था, जब वो इंडिया की तरफ आया। चलिए, हमीर देव राजपूती संस्कारों से भरा था। हमीर देव, मैंने जबान दे दी, राजपूती संस्कार, हिंदू उदारवादी थे, हम बहुत उदारवादी थे। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो शुरू में आई थी ना, वो थोड़े से कट्टर थे, बाद में कई अच्छे राजा भी मुसलमानों में हुए। और अब देखें तो हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग हैं, कोई कम्युनिटी खराब नहीं होती, आदमी अच्छे बुरे होते हैं। मोहम्मद गौरी को देखो, याद करो गौरी को जिंदा छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, यानी इज्जत के साथ माला पहनाई थी अपने गले से उतार के कि तुम राजा हो, और राजा ऐसे नंगे गले में अच्छा नहीं लगता, बेड़ियां खुलवा के माफ कर दिया था। और इज्जत के साथ बेचारगी नहीं, ये दिखाया कि तू कुछ है नहीं, ये दिखाया कि तू राजा है और ठीक है, ऐसी लड़ाई होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मन में तेरी इज्जत है। लेकिन अगले साल फिर क्या किया गौरी ने? इसको ही खत्म कर दिया, यानी कहीं ना कहीं संस्कारों का फर्क था, लेकिन वो नेगेटिव साबित हो रहे हैं। इतनी भी जबान की कीमत नहीं रखनी चाहिए कि अपने आदमी और अपनी औरतें मरवानी पड़ जाए। तो देखो क्या हुआ, हिंदू उदारवादी थे, जबान की कीमत मानते थे कि कह दिया तो करना बेशक मरना पड़े। तभी तो हमीर देव के 30,000 आदमी मारे गए, इतनी सारी औरतों ने जोहर किया। चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 में, अभी 1296 से लगातार अटैक कर रहा है, 1298 हमने देखा, हम 1303 तक पहुंच गए। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ राजधानी है, तो इसलिए इसको मेवाड़ अभियान भी कहते हैं, चित्तौड़ अभियान भी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी राइटर है, राइटर, इसने पद्मावत में वर्णन किया, 1540 में लिखा है इसने, जबकि घटना कब किया, 1303, तो 200 साल तक वो घटना कितनी ज्यादा बढ़ाई घटाई गई होगी तुम अंदाजा लगा सकते हो। आज के टाइम में भी एक बार दूसरे से दूसरी, तीसरे से चौथी, वहीं के वहीं 10 लोग हैं ना, तो बात का मतलब पलट देते हैं। ये तो 200 साल पुरानी कहानी है, क्या पता सच में ये हुआ भी था या ये दिखावटी था। और पर्सनली मुझे लगता है कि लाउद्दीन इतना पागल भी नहीं था कि महिला के कारण अपनी पूरी लाइफ का जो है वो मेन टारगेट ये बना ले कि इसको खत्म करना है। अगले ने इससे पहले भी तो कितने अभियान किए, इसका मेन टारगेट था हड़पना प्रॉपर्टी को, उसको अपने अंडर लेना। तो फिर भी कहानी है तो बातचीत की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा, किसके काल में लिखी गई, अकबर, जबकि घटना किसके टाइम की है, अलाउद्दीन। दोनों अनपढ़ थे लेकिन दोनों बेस्ट थे अपने टाइम के। नेक्स्ट देखो, गौरा बादल कविता, इस एग्जाम में गौरा बादल की घटना क्या है। गौरा बादल दो कैरेक्टर हैं जो इसी पद्मावती वाले और रतन सिंह वाले कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो गौरा बादल कविता है जिसमें यह दिखाया गया, पता नहीं झूठी है सच्ची है, कि कैसे भेष बदल के जाते हैं और फिर राजा को छुड़ा के लाते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री में ऐसे है नहीं कि ऐसा रहा होगा, ये दंत कथा है, सुनी सुनाई बात है। वीर सैनिक मारे गए, रानी पद्मावती का भी जौहर, अभी हमीर देव की पत्नी का जौहर पढ़ रहे थे, रानी पद्मावती का जौहर पढ़ रहे हैं, दोनों राजपूत हैं, वो भी राजपूत थे और ये भी राजपूत हैं। चित्तौड़ का नाम बदल के इसने कर दिया खिजराबाद, क्यों कर दिया, क्योंकि खिजर खान नाम का इसका बेटा था, चित्तौड़ तो हमारा इंडिया का था ना, इसने चित्तौड़गढ़ की पूरी उसके नाम को हटा के और बोला इसका नाम होगा खिजराबाद, मेरे बेटे खिजर खान के नाम पर। अलाउद्दीन का पुत्र था खिजर खान, यहां का सूबेदार बन गया, बाद में इसकी हत्या हो गई थी, तो खिजर खान के नाम पर खिजराबाद बना दिया चित्तौड़गढ़ को। मालवा अभियान चलाया 1305, 1303 में था, फिर 1305 में मालवा, ये बहुत बड़ा नहीं है, इजीली इसको इसने अपने अंडर कैप्चर कर लिया। फिर जालौर अभियान चलाया, यानी धीरे धीरे करके गंगा यमुना का द्वाब इलाका किसके पास इकट्ठा हो गया, पूरी बेल्ट अलाउद्दीन खिलजी, ये देखो पूरी बेल्ट का राजा बन गया, क्योंकि राजपूत जीत लिए इसने, रतन सिंह भी इसी में आएगा, हमीर देव भी इसी में आएगा। फिर गुजरात का राय करण बघेल, जो देवल अपनी बेटी को लेकर कहां चला गया था, ये देवल लिखा है ना, उसी को समझाने के लिए, यहां कौन सी जगह थी, दौलताबाद देवगिरी, फिर ये अटैक करेगा यहां भी, फिर ये काकतीय वंश, होयसल वंश, पांडे वंश, द्वार समुद्र लिखा है, होयसल की राजधानी है, और ये नीचे की तरफ केरला के पास कालीगढ़, तो ये दक्षिण का मैप है, उत्तर का मैप मैंने समझाया, ये दक्षिण का है। देवल पत्नी वाली जो कहानी, उसके बाद राजपूत इनका हो गया, गुजरात में इन्होंने अभियान चलाया, उसके बाद देव जो ये देवल देव की कहानी थी, कौन था यहां का राजा, रामचंद्र देव, तो उसको भी देव से याद कर लेना। फिर इधर होयसल, इधर काकतीय वंश, काकतीय वंश में ही है वो, तो तेलंगाना वाला है। फिर पांडे, जो कि भाग्य माना ही नहीं कि मैं इससे हारा हूं, वीर पांडे नाम था उसका। नेक्स्ट देखो, देवगिरी अभियान, हम साउथ की तरफ चल पड़े, उत्तर के समझ में आ गए ना, अब सब इसने कैसे अपनी बेल्ट बढ़ाई है। देवगिरी पे कारण मैंने क्या तीन बताया, पहले बोला कि तुम रेवेन्यू देते थे 1296 तुमने बंद क्यों किया, इसलिए अटैक करूंगा। फिर मेरी पत्नी कमला देवी का कहना है कि उसको अपनी बेटी से मिलना है, कौन सी बेटी, देवल देव से, तो इसलिए अटैक करूंगा। और तीसरा कारण क्या बताया कि साउथ में जाने का रास्ता यही है, तो इसलिए मुझे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन राजा की बेस्ती नहीं की, राजा को एक स्वर्ण छत्र भेंट किया कि मेरा दोस्त बन जा, मैं साउथ में जाऊं, मुझे रास्ता दे दियो बस। तो देखो, देवगिरी अभियान है, ये महाराष्ट्र में है, राजा रामचंद्र देव है, भाई साउथ का राजा भी तो कई साल जिएगा, अलाउद्दीन 20 साल राज करेगा तो वो 20-30-40 साल राज करेगा, तो रामचंद्र देव 1296 में भी था और 1307-08 में भी है। क्यों अटैक किया देवगिरी पर, दक्षिण की तरफ क्यों गया? पहला, गुजरात शासक राजा कर्ण बघेल को शरण दी थी, तो बोला तूने मेरा जो ये दुश्मन था तूने इसको अपने यहां क्यों छिपाया, मैं तेरे पर अटैक करूंगा। दूसरा, राजस्व नहीं भेजा था 1305 में, राजस्व क्यों भेजता था, क्योंकि अपने चाचा के दौर में ही 1296 में ही इसने देवगिरी पर अटैक किया था और देवगिरी से जाकर राजा बन गया था अपने चाचा को मार के, और देवगिरी से बहुत धन लाया जिससे इसने अमीरों का मुंह बंद कर दिया था। और देवगिरी के राजा को कह के आया था हर साल पैसे भिजवाना, भिजवाया उसने 10 साल, फिर उसको लगा भूल गया राजा, भिजवाना बंद कर दिया, अभी अटैक करेगा, कारण बनाएगा इसको, जबकि 1296 के बाद से लगातार भेजा जा रहा था राजस्व, 10 साल बाद रोका। तीसरा कारण, कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी अपनी बेटी, क्या नाम था उसका, देवल देव से मिलना चाहती थी। तो तीन कारण बता दिए, तूने टैक्स क्यों नहीं पे किया, मेरी पत्नी की इच्छा है और तूने मेरे दुश्मन को शरण कैसे दिए, तीन कारण बताए। रामचंद्र देव हार गए, 96 में भी हारे थे, अब ये 1307 में भी हारे। अलाउद्दीन ने फिर भी सम्मानजनक व्यवहार किया, रास्ता लेना था ना इनके एरिया में से, राय रायान, राय मतलब राजा, राय पिथौरा, राय को उपाधि है, अंग्रेजों ने भी देखो राय बहादुर, राव बहादुर उपाधियां दी थी, राय मतलब राजा को इंडिकेट करता है, तो कहा कि ठीक है तू बेशक हार गया लेकिन मैं तेरी इज्जत करता हूं, राय रायान की उपाधि दी। एग्जाम में आ जाएगा राय रायान की उपाधि किसने किसको दी, अलाउद्दीन ने देवगिरी के हारे हुए राजा रामचंद्र देव को। और राजशक्ति का प्रतीक, ताकत का राजा का प्रतीक था स्वर्ण छत्र, सोने की वो छत्री, जैसे राजा का एक पूरा घोड़ा गाड़ी और उसके ऊपर उसकी एक छाया करने के लिए सोने की छत्री, तो ये सिंबल था कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, स्वर्ण छत्र और राय रायान, राय से याद कर लेना। कारण क्यों इसने ऐसा किया, बीमार डालता रामचंद्र देव को, कारण था दक्षिण भारत में एंट्री का रास्ता था देवगिरी, अगर देवगिरी इसके साथ दोस्ती निभालेगा ना तो इसको बार बार दक्षिण में जाने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो देवगिरी से इसकी टक्कर रहे और इसको जाना है तेलंगाना, तो पहले देवगिरी से लड़ो फिर तेलंगाना पे अटैक करो, आधी सेना देवगिरी में मर जाएगी, तो इसलिए इनसे दोस्ती निभाई ताकि नीचे के सीधे रास्ते मेरे लिए खुल जाए। नेक्स्ट देखो, वारंगल अभियान, वारंगल मैंने क्या बताया, ये अपना नया जो राजा तेलंगाना, इसकी राजधानी थी वारंगल, तेलंगाना अभियान भी इसी का नाम है, और यहां का वंश था काकतीय वंश, जैसे राजाओं का वंश होता है, यहां काकतीय वंश था, रुद्रप्रताप हिंदू राजा था, रुद्रप्रताप। मलिक काफूर ने हमला किया, अब दक्षिण में सारे अभियान किसके अंदर है, मलिक काफूर, मलिक काफूर कहां से पकड़ा था, कहां से खरीदा था,
गुजरात अभियान से, कितने में 1000 दिनार। तीन चीजें थी ना गुजरात अभियान की, मलिक काफूर खरीदा था, सोमनाथ टेंपल लूटा था और वहां से ये रायकर्ण बघेल की पत्नी कौन थी, वो कमला देवी, उससे इसने शादी की थी। तो मलिक काफूर ने हमला किया, राजा का नाम रुद्र प्रताप, कोहिनूर हीरा भेंट किया था, कोहिनूर हीरा भेंट किया किसने, रुद्र प्रताप ने। तो डर ये चीज होती है कि भैया कैसे ना कैसे करके इसको खुश कर दूं, ये भाग जाए हीरा लेके और मेरी जान छूट जाए। तो कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खदान से निकला था, बेशकीमती हीरा था, वो किसको भेंट किया इसने, साउथ के राजा ने, कौन से वंश का था, काकतीय वंश का, कहां का था ये, इस राजधानी वारंगल की है, तेलंगाना की राजधानी वारंगल यहां का। तो रुद्र प्रताप ने गोलकुंडा खान से निकला था ये, और फिर देखा कि हीरे से काम नहीं चलेगा, हीरे के साथ और कुछ करने के लिए सोने की स्वयं की मूर्ति बनवाई, 6-8 फुट की बड़ी प्योर गोल्ड से मूर्ति, और जंजीर में लिपटी भिजवाई कि जंजीर डाल दो और एक तरह से मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मैं खुद नहीं जा रहा लेकिन ये जंजीर और मेरी ये फोटो जो बनेंगे स्टैचू देखेंगे तो वो समझ जाएं कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, और फिर उनको ये हीरा दे देना। इसके बाद है होयसल अभियान, होयसल जो तेलंगाना वाले के साइड में था, 1311 में इनकी राजधानी द्वार समुद्रम, होयसल अभियान, ये नाम ध्यान रखने हैं, रामचंद्र देव कहां का था, या पूछेंगे ये प्रताप रुद्र देव कहां का था, कोई हीरा कौन सी खदान से निकला, किसने किसको भेंट किया, तुम्हें आना चाहिए। होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुद्रम है, एक है माबर, ये माबर लिखा है माबर, इसी को मदुरई अभियान कहते हैं, मदुरई किसकी राजधानी पांडेयों की, 1311 में, 16 में तो मरी जाएगा, तो ये लगा लो 1296 में राजा बनकर 1298 से अभियान कर रहा है, लगातार अभियान करता जा रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ाता जा रहा है, पैसा बढ़ाता जा रहा है। तो उसी सीरीज में लास्ट में आ गया साउथ की तरफ, और ये माबर या मदुरई बिल्कुल तमिलनाडु के पास इलाका, यहां अटैक करेगा 1311 में। पांडे, ये पांडे लिखा पांडे, इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी मदुरई जो मैंने लिखा है, इन्होंने अधीनता नहीं मानी लेकिन टक्कर ली, भाग गए यहां से, बाद में हम क्यों माने अधीनता, को पैसा वैसा भी नहीं दिया। तो धनी राजा था, अमीर था, पुराने अमीर है, ये एंशिएंट इंडिया के अमीर लोग हैं पांडे, आज के नहीं है, इनके टाइम में ईसा पूर्व में भी थे पांडे, जो है ना संगम काल से चल रहे थे, आदमी बदलते गए, प्रॉपर्टी इलाका तो वही रहा, अमीर थे, भाग गया, राजा का नाम था वीर पांडे। मलिक काफूर ने हमला किया, हमला किया तो कुछ मिला ही नहीं, जो थोड़ा बहुत इतने अमीर से लूट के ले गए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस आए, अब उत्तर का राजा दक्षिण में कितने दिन बैठेगा, एक महीने रुका, वेट करता आया नहीं, अगला अगले पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना सब कुछ लेके भाग गया, और जो छोड़ गया उसको लूट के बेशक फर्क नहीं पड़ना, तो कुछ लूटा लेकिन फाइनली हो गया कि उसने हमारी अधीनता नहीं मानी, जैसे अमीर देव ने अधीनता माने मारा गया था, कर्ण बघेल भी हारा, ऐसे रामचंद्र देव भी हारा, लेकिन ये जो आदमी है ना, ये हारा ही नहीं, भाग गया और भाग के कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ गया, जैसे लगे कि एक मेरे को अपनी जंजीरों में लिपटी पूरे स्टैचू भिजवाया, इसने ना कोई स्टैचू ना कोई गिफ्ट दिया, भाग गया, दो तीन महीने बाद राजा वापस गई उनकी सेना, तो फिर से आके राज करने लगा। तो साउथ में इन्होंने अधीनता नहीं मानी, कौन से ने, होयसल ने, वारंगल ने, या मदुरई वाले ने, मदुरई वाले ने, होयसल ने भी मान ली, और जो अपने इलाका, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रामचंद्र देव वाला भी, देवगिरी भी और तेलंगाना भी, वारंगल जिसकी राजधानी थी, इसने नहीं माना, काफूर ने हमला भी किया पर इस पर असर नहीं आया। ठीक है, चलिए तो वापस से शुरू हो गया, अब ये 11 स्लाइड्स हैं जो आपके काम की है, लास्ट में एक बार फिर से सारी दिखा दूं ताकि आपको पूरी एक घंटे की वीडियो एक बार देख के स्लाइड से आप नोट्स बनाना। ये पहली स्लाइड रहेगी, आपने जो लास्ट लिखा होगा ना वो शायद लिखा होगा कि विद्रोह और उसके कारण, उसके आगे का टॉपिक है ये, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पहली स्लाइड, यानी उसके आगे नोट्स बनेंगे, गुजरात अभियान का सन लिख लेना, सेनापतियों के नाम, वहां के शासक का नाम, उसकी पत्नी, फिर ये किसकी वाइफ बनी, इसकी बेटी, पहली स्लाइड है ये। नेक्स्ट स्लाइड, देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव, यहाँ पे वो चले गए, अभी देवगिरी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि रायकर्ण बघेल कहाँ चले गए, फिर अलाउद्दीन ने, क्योंकि गुजरात में आया है, इस किसान ने सोमनाथ मंदिर लूटा, ये तो पुराने टाइम से लूटा जा रहा है, कितना पैसा हुआ इस मंदिर में, सोचो कितनों ने इसको लूटा, फिर इसने इसको लूट लिया, इतना पैसा, फिर दोबारा खड़ा हो गया। एक हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर 1000 दिनार में खरीदा, तो वहां का टारगेट क्या था, एक पहली चीज सोमनाथ मंदिर लूटा, दूसरा मलिक काफूर इसको मिला, तीसरा वहां का राजा भाग गया देवगिरी के राजा के पास। तीसरी स्लाइड है रणथंभौर अभियान, जिसका राजा फालतू में फंसा हमीर देव, क्यों, जबान दे दी मंगोल भगोड़े सैनिकों को, वो सैनिक किसकी सेना में थे, अलाउद्दीन, ना हमीर देव का लड़ना ना झगड़ना कुछ नहीं, लेकिन जबान के कारण ये लड़ाई हुआ लड़नी पड़ी, इसकी भूमिका कहते हैं गुजरात अभियान में तैयार हुई, क्योंकि गुजरात से लूटे पैसे पे उन्होंने चिकचिकबाजी की थी, राजा हमीर देव मंगोल सैनिकों को आश्रय दिया, कहीं ना कहीं इनकी गलती भी रही है, फिर ये तो वही आदमी है, अलाउद्दीन खुद आया 3 महीने खड़ा रहा, और फाइनली गद्दार आदमी रणमल, इसके कारण ये हार गए, और वीर सैनिक मरे, अमीर खुसरो का 30,000 राजपूत मारे गए, औरतों ने जौहर कर लिया, पहला जौहर हिस्ट्री में कहां आया था, जब दाहिर की पत्नी ने सिंध पे अटैक हुआ था, पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण उस टाइम पे किया था। पांचवी स्लाइड है ये, हमीर देव जो है राजपूती संस्कार, जबान की कीमत, इसलिए हारे, इसके बाद उसी राजपूत इलाके में चित्तौड़ का अभियान हुआ, इसमें रानी पद्मावती या पद्मिनी का किस्सा है, और उनके हस्बैंड का नाम था रतन सिंह, ये हमें किसने बताया, 200 साल बाद लिखी गई किताब ने, जिसका नाम है पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी, अकबर के टाइम में लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मोहम्मद जायसी भी लिख देते हैं इसको, मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मावती या पद्मिनी का किस्सा है, और उनके हस्बैंड का नाम था रतन सिंह, ये हमें किसने बताया, 200 साल बाद लिखी गई किताब ने, जिसका नाम है पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी, अकबर के टाइम में लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मोहम्मद जायसी भी लिख देते हैं इसको, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब 200 साल बाद कौन बैठा था देखने के लिए, सही है नहीं है, चित्तौड़ अभियान क्यों कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। नेक्स्ट सिक्स स्लाइड है, गोला बादल दो करेक्टर थे, दंत कथाओं टाइप के, ये भी बहुत नुकसान हुआ, रानी पद्मावती ने जौहर किया, वीर सैनिक मारे गए, और फाइनली राजपूतों का मेन इलाका आ गया अलाउद्दीन के हाथ में, फिर इसने इसका नाम भी बदल दिया, चित्तौड़ तो हमारी शान था ना, इसका नाम खिजराबाद कर दिया, क्यों, क्योंकि अपने बेटे का नाम था खिजराबाद, नहीं मारा भी गया, फिर इसने मालवा अभियान चलाया एमपी के इलाके में, फिर जालौर अभियान, पूरी गंगा यमुना की बेल्ट वाला इलाका इसका है, अब ये दक्षिण में जाएगा, दक्षिण भारतीय अभियान में इस बेल्ट के बाद ये देव कौन सा आदमी है, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव कहां का है, देवगिरी का, इसको टारगेट बनाएगा, काकतीय वंश के राजा, जिसने कि देखो जिनकी राजधानी थी वो वारंगल, वारंगल तेलंगाना वाली, जिसने वो अपनी फोटो वोटो वो सब किया था काम, तो ये साउथ की तरफ, इसको ड्रॉ कर लोगे तो याद रहेगा। देवगिरी अभियान का कारण हमें पता ही है, तीन, क्या बोला कि तुमने मुझे टैक्स क्यों नहीं दिया 10 साल बाद, क्यों बन गया, मेरी पत्नी की इच्छा अपनी बेटी से मिलेगी, कौन पत्नी कमला देवी, और क्या बोला तुमने मेरे दुश्मन को क्यों रखा, तुम एक चीज सोचो, ये कर्ण बघेल का भागा था 1298 में, इसको 10 साल बाद याद आया कि कर्ण बघेल यहां छिपा था, यानी ये तो बहाना था अटैक करना था, तो ये तीन कारण इसने बता दिए। नेक्स्ट, तो इन कारणों के बाद क्या हुआ, हार गया राजा, लेकिन हारने के उसकी बेइज्जती नहीं की, ना उससे कुछ छीना, उसके साथ इज्जत का व्यवहार किया ताकि वो इसका दोस्त बन जाए, इसको रास्ता देता रहे दक्षिण भारतीय अभियानों में, तो इसको उपाधि भी दी, राय रायान की, स्वर्ण छत्र दिया, और दक्षिण भारत में एंट्री का रास्ता अपने लिए खोल लिया। दसवीं स्लाइड, वारंगल, वारंगल तेलंगाना, यहां का राजा रुद्र प्रताप देव या प्रताप रुद्र देव, अपनी वो सोने की पूरी मूर्ति और जंजीरों में जकड़ी हुई वो, और उसके साथ साथ हीरा, कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा, तो इन सबके कारण फिर ये बहुत फायदे में गया अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा ही इसने एक अभियान चलाया होयसल अभियान, जो कर्नाटक के वाले इलाके में, मान लो इनकी राजधानी बस ध्यान रखना द्वार समुद्रम है और कुछ खास नहीं है, माबर या मदुरई अभियान, मदुरई पांडियों की राजधानी, ताकतवर राजा था, अमीर राजा था, जैसे आए वो छोड़ के भाग गया प्रॉपर्टी, और फिर आया ही नहीं, कई महीने बाद दुखी होकर वापस चले गए, ना तो